उत्तराखंड से निकले हुए योगी, उत्तराखंड से निकले हुए साधक देश और दुनिया में, उत्तराखंड के साथ साथ पूरे देश का नाम आगे बढ़ा रहे हैं, ये हम सब के लिए बहुत ही प्रसन्नता की अनुभूति का क्षण होता है। दूसरा पक्ष योग की इस प्राचीन विधा को एक प्रकार से हम कुछ लोगों तक सीमित कर दिए थे, उसे दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का दुष्कृत्य कार्य देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। वास्तव में इसके लिए हर भारतवासी को, दुनिया के अंदर हर योग प्रेमी को प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करना चाहिए कि उन्होंने दुनिया के अंदर योग को एक व्यापक रूप में पहुंचाया है। आज दुनिया के लगभग 193 से अधिक देश योग की परंपरा के साथ जुड़ रहे हैं। योग की परंपरा के साथ जुड़ने का जो मतलब है, वह भारत के साथ एक आत्मीय संवाद उल्टा सीधे सीधे हुआ है। दुनिया का भारत के साथ आत्मीय संवाद इस रूप में, जैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर 2005 में श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के साथ वह घटना घटित होती है, जब एक दंपति जो वहां के ऑस्ट्रेलियन मूल की है, वह उनके पहनावा को देख करके सहसा ही उनसे प्रश्न पूछती है कि क्या आप भारत से आते हैं, क्या आप योग करते हैं, क्या आप शिव को मानते हैं, और क्या आप ऋषिकेश से जुड़े हुए हैं, या अपने आप में ढेर सारे प्रश्नों का उत्तर आप सबको देता है। यानी भारत की परंपरा के बारे में दुनिया ने क्या कुछ हमारे बारे में जाना है, और दुनिया को क्या कुछ देने की क्षमता हम सब के अंदर है, अगर हम इन सब चीजों को लेकर के अपने को तैयार कर सकेंगे तो दुनिया की आज की सबसे ज्यादा जरूरत है कि उसे मनोकायिक बीमारियों से मुक्ति चाहिए। यानी मन और शरीर से जुड़ी हुई जो व्याधियां हैं उनसे उसे मुक्ति चाहिए, और मनोकायिक बीमारियों से अगर व्यक्ति ने मुक्ति पाली, यानी मानसिक तनाव से मुक्ति पाली और अपने पेट जनित बीमारियों से मुक्ति पाली, तो न उसे ब्लड प्रेशर होने वाला है, न उसको हार्ट अटैक होने वाला है, न उसको किडनी फेलियर होने वाला है, न उसका लीवर खराब होने वाला है, और न ही उसको किसी प्रकार की किसी कोरोना वायरस के चपेटे में आने की आवश्यकता ही पड़ेगी, वो अपने आप को स्वस्थ और सुंदर बनाए रखने में सफल हो सकता है। लेकिन इन चीजों को देखने के लिए ही भारत की ऋषि परंपरा ने शुद्धि का महत्व दिया है। आप देखेंगे शुद्धि में भी स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत से ही शुरू की। यानी स्वच्छ भारत मिशन कितना बड़ा कार्य करता है, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के 38 ऐसे जिले थे जहां पर एक बीमारी लगभग 40 वर्षों से प्रतिवर्ष हजारों बच्चों को निगल जाती थी। एक वर्ष से 15 वर्ष के बच्चे इस बीमारी की चपेट में बरसात के समय आते थे, और 3-4 महीनों के अंदर ही 1200-1500 बच्चों की मौत हर वर्ष होती थी। शासन को किसी को इसकी चिंता नहीं थी। मैं 25 वर्षों से इस बीमारी के खिलाफ लड़ाई करता था गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश, लेकिन जब मुझे ही उत्तर प्रदेश की बागडोर सौंपी गई तो मेरे सामने चैलेंज था कि मैं इस इंसेफ्लाइटिस की बीमारी का समाधान कैसे करूं, क्योंकि 25 वर्षों का अनुभव और प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के कार्यक्रम के साथ जुड़ने के कारण मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि इंसेफ्लाइटिस का उपचार नहीं बल्कि इसके बचाव से ही हम इन मासूम बच्चों को बचा सकते हैं, और हम लोगों ने स्वच्छ भारत मिशन को घर घर तक पहुंचाया, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति कराई, और आज मात्र 2 वर्ष में हम लोगों ने बीमारी को 60% कम करने और मौत के आंकड़ों को 90% कम करने में सफलता प्राप्त की है। यह है स्वच्छ भारत मिशन की सफलता, और मुझे लगता है कि अगर उसके साथ योग जुड़ जाए, योग की क्रियाएं जुड़ जाए,
प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है, हमारी स्टेमिना को बढ़ा देता है। अंतरिक्ष में जाने वाले यात्रियों को सबसे पहला प्रशिक्षण क्या होता है कि थोड़ी योगी क्रियाओं को प्राणायाम के साथ जोड़ करके लंबी और गहरी श्वास लेना सिखा दो, वह व्यक्ति स्वस्थ और सुंदर होगा, लंबे समय तक दीर्घ काल तक अंतरिक्ष की सैर में जाने लायक अपने आप को फिट पाएगा। और ये रहस्य है, और इसीलिए हठ योग कोई हठात योग नहीं है, यह तो हमारी दो नाड़ियां हकार कीर्ति सूर्य हकार सदर उच्चे, यानी हकार का मतलब सूर्य नाड़ी से, जैसे आप गंगा भी कह सकते हैं, मां गंगा की आंचल में हम लोग बैठे हैं तो मां गंगा की प्रतीक आपका दाहिना स्वर, और बाया स्वर वह चंद्र का प्रतीक, वह यमुना का प्रतीक, और गंगा और यमुना दोनों नदियां कहीं और से नहीं निकलती, इसी उत्तराखंड से निकलती हैं, और उत्तर प्रदेश की प्रयागराज से संगम होकर के गंगा बनकर के गंगा सागर तक पहुंच जाती है। यानी योग का रहस्य, जैसे आप सूर्य और चंद्र नाड़ी कहते हैं, उसे योग की भाषा में गंगा और यमुना नाड़ी भी कहा जाता है। ये गंगा और यमुना दोनों उत्तराखंड से निकलती है, इसलिए उत्तराखंड तो गंगा और यमुना की उद्गम स्थली है, इसलिए योग की उद्गम स्थली भी उत्तराखंड ही है। उत्तराखंड से निकला है योग दुनिया के अंदर किस रूप में अपने अपने को जगा रहा है, ये है। हम वेलनेस सेंटर के माध्यम से, योग केंद्र के माध्यम से लोगों को अपने आकर्षित भी कर सकते हैं, और दुनिया के अंदर मनोकायिक बीमारियों के समाधान के लिए एक बड़ी मात्रा में अच्छे योग ट्रेनर भी, योग प्रशिक्षक भी उनके बीच में भेज सकते हैं, जो न केवल योगी क्रियाओं को बल्कि वेलनेस सेंटर के माध्यम से लोगों को बेहतर स्वास्थ्य की विधा को आगे बढ़ाने के लिए और बीमारियों से बचने के लिए लोगों को एक नई दिशा दे सकते हैं। योग की इस परंपरा को, हट योग की इस परंपरा को, यहाँ हट और दोनों का जो संयोग है वही हट योग है, यानी प्राणायाम की जो साधना है वही प्राणायाम की साधना ही हट योग है, और मन की साधना जो है वही राजयोग है। इन दोनों में अंतर कुछ नहीं, अंतर यही है कि मन को साधने के लिए थोड़ी चैलेंज ज्यादा है, व्यक्ति को जीने के लिए श्वास आवश्यक है, अपने श्वासों को साध लीजिए प्राणायाम के माध्यम से, मन अपने आप आपका नियंत्रित हो जाएगा। जो ग्रैंड मास्टर अक्सर यहां पर भी आपको बता रहे थे, श्वास के माध्यम से हम अपने मन की वृत्तियों को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, यही तो है योग। आप उसको मन के माध्यम से नियंत्रित करें, और चाहे वह श्वास के माध्यम से, प्राणों के माध्यम से नियंत्रित करें, इन दोनों माध्यमों को, एक हठयोग का है एक राजयोग का है। जिस प्रकृति का व्यक्ति है उस प्रकृति का व्यक्ति अपने रूप उस प्रकार की साधना को विकसित करके उस प्रकार से अपने लिए मन की एकाग्रता को या श्वास को नियंत्रित करके या फिर मन की चंचल वृत्तियों को नियंत्रित करके हम उस विधा का चयन अपने अनुरूप कर सकते हैं। प्राचीन ऋषियों ने भी और अर्वाचीन योगाचार्यों ने भी इसके लिए अलग अलग विधाओं को भी अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किया है। हरेक साधक अपने अनुरूप उस प्रकार की साधना को अपने लिए लेकर के उसको स्वीकार करके उसको अंगीकार करते हुए वह उसके अनुरूप अपनी प्रकृति के अनुरूप साधना पथ चुन सकता है। लेकिन साधना पथ के पहले इस शरीर को उसके योग्य बनाना है, इसके लिए आसन आवश्यक है, और इसी के लिए हमारी हठयोग से जुड़ी भी जो ग्रंथ हैं, योग से संबंधित बहुत समृद्ध ग्रंथ है, जिसमें महायोगी गोरखनाथ जी ने बहुत समृद्ध साहित्य योग का दिया है, और उसमें उन्होंने इसी बात को कहा है कि क्या है हठयोग और क्या हमें करना चाहिए, उन्होंने किस चीज पर जोर दिया,
उन्होंने कहा ये शरीर जो हमारा है इस शरीर के शोधन के सात साधन है और शरीर की शुद्धि के बगैर हम लोग योग की किसी भी पद्धति में किसी भी विधा में भारतत नहीं हो सकते। हमें उसके लिए आवश्यक है सबसे पहले काया शोधन और इसके लिए उन्होंने दो जो चीजें दी उन्होंने कहा शोधनम दृढ़ता चेव स्थैर्यम धैर्यम च लाघवम प्रत्यक्षम निर्णितम च घटस्तम सप्त साधनम यानी शरीर के सात साधन है। जैसे आप महर्षि पतंजलि के योग में जाएंगे उन्होंने योग के आठ साधन बताए हैं यम नियम से लेकर के और समाधि तक उन्होंने जो ये आठ साधन बताए हैं आठ आयाम के लिए क्रमिक रूप से ये मंजिल पर चढ़ने की आठ अलग अलग सीढ़ियां हैं आयाम हैं। हम क्रमबद्ध ढंग से बाह्य शुद्धि आंतरिक शुद्धि फिर आसन फिर प्राणायाम फिर प्रत्याहार फिर धारणा फिर ध्यान और फिर समाधि। लेकिन घट योग में इसे सात साधनों में ही समेट करके शरीर की शुद्धि के साथ इसको जोड़ने का कार्य किया है और शोधनम के लिए उन्होंने शोधन के लिए खट कर दिया है। जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा सूत्र नीति सूत्र आपका जो है दंड धोती के साथ साथ यहाँ पर वस्त्र धोती का प्रयोग ये साधक कर रहे थे। लेकिन ये शोधन की एक क्रिया है खटपर में धोती बस्ती नेती नौली त्राटक बांधना ये शोधन की पहली क्रिया है। इसके बाद आसन की क्रिया है इसके बाद फिर बंग और मुद्राओं की क्रिया है प्राणायाम की क्रिया है फिर इसके बाद धारणा है फिर ध्यान है फिर समाधि। यानी ये सात साधनों में पूरी योग पद्धति को हठ योग की पद्धति को जोड़ करके एक साधक के लिए आधार भूमि तैयार करना जिसको हम सामान्य रूप से योग कर लेते हैं क्रियात्मक योग। हम योग के इन सभी सात साधनों को मिलाकर के जिन क्रियाओं को कम पाते हैं उसी को क्रियात्मक रूप से हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि योग का व्यापक प्रचार प्रसार हो रहा है उत्तराखंड को स्वयं इसका प्रतिनिधित्व करते हुए दिखना चाहिए और मुझे प्रसन्नता है उत्तराखंड सरकार ने और यहाँ की सरकार ने यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं रुचि ली है और ये साप्ताहिक योग महोत्सव के माध्यम से देश और दुनिया को अपने साथ जोड़ा। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर भारत के भी और दुनिया के भी तमाम देशों से साधक आकर के योग की इस परंपरा के साथ जुड़ रहे हैं जिसमें व्यापक चर्चा होने वाली है। मुझे लगता है उसकी आधार भूमि उत्तराखंड बन सकती है उत्तराखंड है भी और उत्तराखंड में इस प्रकार के साधक आज भी मौजूद हैं। मैं इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि मैं जो आज देख रहा था माँ गंगा के सांचल में कितना पवित्र और किस प्रकार की आध्यात्मिकता का समावेश हम सब के अंतःकरण में करते हुए माँ गंगा अपना आशीर्वाद हम सबको दे रही है। गंगा की निर्मलता और गंगा की निर्मलता के साथ हम स्वयं अपने स्वयं के शरीर की निर्मलता को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। गंगा उत्तराखंड में निर्मल होगी तो हमारे उत्तर प्रदेश में भी गंगा जी निर्मल होती हुई दिखाई देगी और उत्तर प्रदेश में नमामि गंगे के बहुत अच्छे परिणाम आए हैं। आप याद करिए एक वर्ष पहले तक उत्तर प्रदेश में कुंभ के पहले तक गंगा जी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी लेकिन आज आप उत्तर प्रदेश में कहीं भी जाएंगे गंगा जल को आचमन भी कर पाएंगे और गंगा जल स्नान भी कहीं भी करने की स्थिति में आ चुका है और मुझे लगता है निरंतरता बनी रहनी चाहिए क्योंकि गंगा मैया का आशीर्वाद हम सब पर है और हमें प्रधानमंत्री मोदी जी को नमामि गंगे परियोजना को मिशन मोड पर लेने के लिए इसके लिए भी हृदय से अभिनंदन करना चाहिए। मैं एक बार फिर से आज के इस अवसर पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का उनकी पूरी टीम का हृदय से अभिनंदन करता हूँ हृदय से साधुवाद देता हूँ और योग महोत्सव के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।
मुख्यमंत्री यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए उत्तराखंड में ऋषिकेश में। दरअसल यहां पर योग महोत्सव की आज से शुरुआत हो रही है। करीब 7 दिनों तक, 1 सप्ताह तक ये योग महोत्सव चलेगा, जिसमें न सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से मेहमान पहुंचेंगे। 31वें अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव की अब औपचारिक शुरुआत हो गई है। सीएम योगी, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत मौजूद रहे। मुनिकीरेती स्थित गंगा रिजॉर्ट में, जहां से औपचारिक रूप से आज संतों के समन्वय से योग महोत्सव की शुरुआत हो गई। पीएम मोदी ने योग को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, ये कहना था सीएम योगी का। योग से विश्व का कल्याण होगा, और पीएम मोदी ने योग को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, और यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अब मनाया जाता है दुनिया भर में। वाकई ये भारत की देन, और योग से विश्व का कल्याण होगा, क्योंकि योग जो है मानसिक रूप से भी सुदृढ़ करता है इंसान को।